Hello students, welcome back to the Home Academy. In this video we are going to share with you important multiple choice question from the non-conventional source of energy, and the topic is wind energy. So wind energy ki jo bhi important questions hain wo main aapke sath discuss karunga. Thoda sa introduction de dete hain ki wind energy actually mein hota kya hai. Dekhiye, wind energy is the kinetic energy associated with the movement of large masses of air. जो भी एयर है हमारी एटमॉस्फेयर में, जो एयर है उस एयर की मूवमेंट होती है और उस एयर को सन रेज जो है वो हीट करता है, कहीं पर ज़्यादा हीट करता है, कहीं पर कम हीट करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ग्रेडियंट आ जाता है, डेंसिटी ग्रेडियंट आ जाता है और इवन प्रेशर ग्रेडियंट आ जाता है. तो दिस मोशन रिजल्ट फ्रॉम अनइवन हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय द सन, क्रिएटिंग टेम्परेचर डेंसिटी एंड प्रेशर डिफरेंसेस. It is estimated that 1% of all the solar radiation falling on the face of the earth is converted into the kinetic energy of the atmosphere. So, बहुत important point है कि 1% जो भी energy है वो convert हो जाती है kinetic energy of the atmosphere. और वही जो energy होती है वो क्या होती है? Wind energy. So, आपको यहाँ पर एक और point important है, जो wind energy है ये भी एक किस्म की solar energy ही होती है. ठीक है, बेजाहिर तो आपको ये कोई पॉइंट जो है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का कोई रिलेशन जो है आपस में समझ नहीं आ रहा होगा, बट जो विंड एनर्जी है वो इनडायरेक्ट फॉर्म है किसकी? सोलर एनर्जी की, क्योंकि विंड एनर्जी जो है वो सोलर रेज की ही वजह से क्रिएट होती है. तो हम कह सकते हैं इट इज दिस एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सोलर एनर्जी. तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसके देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है, द रेंज ऑफ विंड स्पीड suitable for wind power generator is. हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 0 to 5 meter per second, दूसरा ऑप्शन है 5 to 25 meter per second, तीसरा ऑप्शन जो है 25 meter per second to 50 meter per second, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 50 meter per second to 75 meter per second. आपका करेक्ट ऑप्शन जो है 5 to 25 meter per second. तो रेंज जो होती है विंड स्पीड की जो कि सूटेबल होती है फॉर पावर जनरेटर वो कितनी होती है? 5 to 25 meter per second. हम ये जानते हैं कि जो विंड टर्बाइन होते हैं और जो विंड पावर होती है और विंड एनर्जी जिसे हम कह सकते हैं वो यूज होती है पावर एक्सट्रैक्शन के काम. ठीक है, उसमें क्या होता है, ए विंड टर्बाइन इज यूज टू हार्नेस द यूजफुल मैकेनिकल पावर फ्रॉम द विंड. द रोटर ऑफ द टर्बाइन कलेक्ट द एनर्जी फ्रॉम द होल एरिया स्वेप्ट बाय द रोटर. For this purpose, a simple analysis, a smooth laminar flow with no perturbation is assumed. तो आपको जो स्पीड है वो याद रखनी है कि 5 to 25 meter per second होता है. क्वेश्चन नंबर 2 है, फेवरेबल विंड फॉर स्मॉल स्केल एप्लीकेशन एग्जिस्ट. तो ऑप्शन जो है एवरीवेयर ऑन द अर्थ सर्फेस, ओनली 75% ऑफ द अर्थ सर्फेस, ओनली 50% ऑफ द अर्थ सर्फेस और 25% ऑफ द अर्थ सरफेस. तो करेक्ट ऑप्शन है 75% ऑफ द अर्थ सरफेस. जैसे कि मैंने कहा जो सारी विंड्स होती है वो सूटेबल नहीं होती है विंड पावर जनरेशन के लिए. ऐसी विंड जिसकी जो स्पीड है, रेंज ऑफ स्पीड जो है वो 5 to 25 meter होती है पर सेकेंड, वही सूटेबल होती है. और हर जगह टेम्परेचर डिफरेंट, प्रेशर डिफरेंट, और भी इक्वेटर की बात की जाए, पोल्स की बात की जाए, कुछ मतलब वेरिएशन जो है फिजिकल क्वांटिटीज में उन पे ये डिपेंड करती है. तो फेवरेबल विंड फॉर स्मॉल स्केल एप्लीकेशन एग्जिस्ट ऑन 25% ऑफ द अर्थ सरफेस. तो इस पॉइंट को भी आप याद रखें. क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपेयर टू द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर सच एज थर्मल प्लांट्स द कॉस्ट ऑफ विंड पावर इज. तो अगर हम कंपेयर करेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर से, जैसे कि थर्मल प्लांट्स हैं, जो विंड पावर की जो कॉस्ट होगी उसका, अगर हमको विंड पावर का प्लांट बनाना है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? तो वो ना ही वो कम होगी ना ही वो ज्यादा होगी, वो उसके कंपेरेबल होगी. उतना ही खर्चा आता है विंड पावर प्लांट बनाने में भी, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट बनाए उसमें भी उतना ही खर्चा आता है. क्वेश्चन नंबर 4 है, द एनर्जी पे बैक पीरियड फॉर विंड जनरेशन इज. तो एनर्जी पे बैक पीरियड विंड जनरेशन का कितना होता है? 1 year. तो हर किसी का आपको पे बैक पीरियड याद रखना है, चाहे वो सोलर एनर्जी है, जो विंड एनर्जी है, या तो दूसरी किस्म की कोई भी एनर्जी जो है, बायोमास एनर्जी है. ठीक है, इनका पे बैक पीरियड आपको हर किसी का याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर इज लिटिल विंड इन द
डैश डैश। तो विंड जो है, मैंने आपको कहा कि हर जगह सिमेट्री नहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो लिटिल विंड कहाँ पर होती है? इक्वेटर के आसपास होती है, प्लस माइनस 5%, अगर प्लस माइनस 5 डिग्री देखें अराउंड द इक्वेटर, वहां पर जो होती है विंड वो कम होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन द सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस, द टेम्परेचर ऑफ जो सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस पे पड़ती है, तो टेम्परेचर जो है अर्थ सरफेस का वो क्या होता है और वाटर मास का क्या होता है? देखिए, जो टेम्परेचर होता है लैंड मास वो राइजेज फास्टर देन द वाटर मास। दोनों का टेम्परेचर जो है वो राइज होता है, लेकिन जो वाटर मास है उसका टेम्परेचर कम राइज होता है और लैंड मास का ज्यादा राइज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ विंड टर्बाइन एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पावर फ्रॉम द विंड व्हेन द डाउनवर्ड व्हेन द डाउन स्ट्रीम विंड स्पीड रिड्यूसेस टू। तो कहा जा रहा है कि विंड टर्बाइन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है ज्यादा पावर फ्रॉम द विंड, कब? व्हेन द डाउन स्ट्रीम विंड स्पीड रिड्यूसेस इट, जब हम डाउन स्ट्रीम जो विंड आ रही है उसकी जो स्पीड है उसको कम करते हैं, कितनी? 1/3 डेट ऑफ द अपस्ट्रीम विंड। तो अपस्ट्रीम विंड और डाउन स्ट्रीम विंड को अगर हम कंपेयर करेंगे तो विंड टर्बाइन जो होती है वो एक्सट्रैक्ट करता है ज्यादा पावर व्हेन डाउन स्ट्रीम विंड स्पीड रिड्यूसेस टू 1/3 डेट ऑफ द अपस्ट्रीम विंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टॉल्ड फ्लो अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द इंसिडेंट एंगल इज, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बियॉन्ड 16 डिग्री। तो ये स्टॉल्ड जो फ्लो है ये होता क्या है? देखिए, इफ द स्पीड ऑफ द विंड स्ट्रीम रिमेन्स अनचेंज्ड व्हाइल पासिंग थ्रू द रोटर, अगर स्पीड जो है विंड की जब वो रोटर के ब्लेड से जब स्ट्राइक कर रही होती है, उसके आसपास से जो गुजर रही होती है, अगर उस स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रही है, तो उस फ्लो को हम बोलते हैं स्टॉल्ड फ्लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टॉल्ड फ्लो क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 जो अभी हमने डिस्कस किया वही है, इफ द स्पीड ऑफ द विंड स्ट्रीम रिमेन्स अनचेंज्ड व्हाइल पासिंग थ्रू द रोटर द फ्लो इज नोन एज स्टॉल्ड फ्लो। तो इस फ्लो को हम कहते हैं स्टॉल्ड फ्लो। ये जो कंसेप्ट है ये फ्लूड मैकेनिक्स का है, आपने पढ़ा होगा लमाइनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टीक फ्लो, पाथ लाइन फ्लो, ठीक है? तो ये जो है स्टॉल्ड फ्लो है, ये नई टर्म सुनी होगी, ये हम विंड एनर्जी में पढ़ा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एज पर बेट्स क्राइटेरिया द मैक्सिमम एनर्जी एक्सट्रैक्टेड बाय एन आइडियल विंड टर्बाइन इज, तो आइडियल अगर कोई विंड टर्बाइन है वो मैक्सिमम कितनी एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है? 59% ऑफ डेट अवेलेबल इन द विंड। तो देखिए, आइडियल की चीज क्या होती है, क्योंकि मतलब जिसका हम अज्यूम करते हैं कि ये 100% है, बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है? कुछ एजम्पशन लेते हैं, जैसे कि आइडियल फ्लूड होते हैं, ऐसे फ्लूड जिनमें हम अज्यूम करते हैं कि उसमें फ्रिक्शन जीरो है, विस्कोसिटी जीरो है, कंप्रेसिबिलिटी जीरो है। तो ऐसे ही एक इक्वेशन होती है बेट्स क्राइटेरिया। देखिए, इन प्रैक्टिस वी नाउ ऑल द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टू द पावर। हम ये जानते हैं कि सारी की सारी जो एनर्जी है विंड एनर्जी, वो सारी की सारी पावर में कन्वर्ट नहीं होती है। वही एनर्जी कन्वर्ट होती है जो कि रोटर से स्ट्राइक्स करती है, कुछ रोटर के जो ब्लेड्स होते हैं उनसे स्ट्राइक नहीं करती, कुछ वहां से दूर चली जाती है, अवे फ्रॉम द रोटर एरिया। जो बेट्स क्राइटेरिया है ये ड्राइव है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर भी कि बेट्स क्राइटेरिया जो है वो किसके रिलेटेड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, दोनों को एक कंजर्व मान के इसकी इक्वेशन जो है वो हम ड्राइव करते हैं। तो ये सजेस्ट करता है कि मैक्सिमम पॉसिबल टर्बाइन एफिशिएंसी जो है वो 59% है। इन प्रैक्टिस हम ये जानते हैं पावर कोफिशिएंट ऑफ 20-30% आर मोर कॉमन, जो पावर कोफिशिएंट है वो 20-30% ज्यादातर कॉमन है, लेकिन आइडियल केस की अगर हम बात करें तो 59% मैक्सिमम पावर जो है हमें मिल सकती है विंड टर्बाइन से। क्वेश्चन नंबर 11 है, द मैक्सिमम एक्सियल थ्रस्ट अकर व्हेन द इंटरफेरेंस फैक्टर ए इज, तो मैक्सिमम एक्सियल थ्रस्ट कब होगी, जब इंटरफेरेंस फैक्टर जो है वो 0.5 होगी। बस मेमोराइज कर लो इस पॉइंट को, एक्सप्लेन में नहीं करूंगा। ए टू ब्लेड विंड टर्बाइन प्रोड्यूसेस मैक्सिमम पावर व्हेन द टिप स्पीड रेशियो इज इक्वल टू, क्वेश्चन 12 है, ए टू ब्लेड, अगर एक ऐसा विंड टर्बाइन है जिसके रोटर पे सिर्फ दो ब्लेड लगे हुए है, वो मैक्सिमम पावर कब प्रोड्यूस करता है, जब टिप स्पीड जो रेशियो है वो 2π के बराबर होगा। तो क्वेश्चन है 13, द विंड टर्बाइन रोटर हैविंग अ लो वैल्यू ऑफ सॉलिडिटी
अगर लो वैल्यू होगी सॉलिडिटी की तो वो ज्यादा फास्टर मूव करेगा। तो इसके अलावा भी मैं एक इम्पॉर्टेंट एक समरी दे देता हूँ। विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी जो है टॉप 10 कंट्रीज की 2017 तक, देखिए पहली सबसे ज्यादा है जर्मन है, जिनका 22,247 मेगावाट है, यानी कि 23.6% टोटल। उसके बाद अमेरिका है, यूएसए, जिनका 16,818 है इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम विंड पावर, विंड एनर्जी से। फिर स्पेन है 15,145, उसके बाद इंडिया है 8,000 मेगावाट, फिर चाइना 6,050, फिर डेनमार्क 3,125, फिर इटली 2,726, फिर फ्रांस है 2,454। ये कुछ टॉप 10 कंट्रीज थी। उनके बाद जो है यूके है 2,389, फिर पोर्टुगल है 2,150, फिर बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, तकरीबन 13% है उनका टोटल। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम नेक्स्ट पार्ट में बायोमास एनर्जी पे और जियोथर्मल एनर्जी पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।